सो गाइस सीरियल घूमे किसी के प्यार में स्टार प्लस का एक ऐसा शो है जिसे फैंस के द्वारा आए दिन ट्रोलिंग किया जाता है इस शो को, पर फिर भी बार की टीआरपी के मामले में नंबर 2 का पायदान हासिल करके बैठा है। लोग काफ़ी पसंद करते हैं इस शो को देखना स्टार प्लस पर। और अब जो है इस शो को लेकर आ रही है लेटेस्ट न्यूज़ सामने निकल कर, तो क्या है ये न्यू अपडेट आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले। तो चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सीरियल घूमे किसी के प्यार में इन दिनों काफ़ी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, जहाँ एक और जो विनायक को पता चल चुका है कि पाखी और विराट उसके असली माँ बाप नहीं है। ये सब जानने के बाद जो है विनायक काफ़ी नाराज़ हो जाता है पाखिया और विराट से। अब वहीं जो है सही मनाती हुई नज़र आती है विनायक को कि और कहती है कि असली माँ बाप तुम्हारे भले ही पाखिया और विराट नहीं है, पर तुम्हें जो असली माँ बाप से भी बढ़कर तुम्हें माना है और अपने बेटे से भी बढ़कर तुम्हें माना है और वही तुम्हारे असली माँ बाप है। अब विनायक जो है मान जाता है और पाखी सही से थैंक्स कहती हुई नज़र आती है और पाखी कहती है सही से कि तुम नहीं जानती सही तुमने आज मेरे लिए क्या किया, यह एहसान मैं तुम्हारी ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी, तुमने आज वो दिया है मुझे जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। अब बहुत सारा थैंक्स कहती है फाखी जो है सही से। और अब इसी भी सीरियल घूमे किसी के प्यार में कि एक न्यू प्रोमो को आउट किया गया है जिसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सावी जो है अपनी आई यानी कि सही से कहती हुई नज़र आती है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं आई, तो वहीं पर सही जो कहती हुई नज़र आती है कि सावी से कि हम लोग जा रहे हैं विनायक के पास उसे गिफ्ट देने, उन्हें सरप्राइज देने। तो जो है सावी कहती हुई नज़र आती है सही से कि हम लोग क्यों गिफ्ट देने जा रहे हैं विनायक को, तो सही जो कहती हुई नज़र आती है अपनी बेटी से कि विनायक जो है पूरी तरह से वह ठीक हो चुका है इसलिए हम लोग उन्हें जो है सरप्राइज देने जा रहे हैं। सावी जो है अपनी आई सही से कहती हुई नज़र आती है कि विनायक के लिए आप गिफ्ट लेकर जा रही है, मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है आपके पास, तो वहीं जो है मन में सोचती है सही कि मैं आज तुम्हें ऐसा गिफ्ट देना जा रही हूँ, ऐसा सरप्राइज़ देना जा रही हूँ कि जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती, आज मैं तुम्हें जो है अपने पापा से मिलाने जा रही है। और मन ही मन जो सोचती है सही कि आज मैं विराट को जो है सब कुछ सच सच बता दूँगी कि सही उसकी बेटी है और जो है हम दोनों की बेटी है सही। और यह सोचती है और वैसे ही जो इंटर करती है वह चौहान निवास पहुँच कर सही देखती है कि विराट पाखी से कहता हुआ नज़र आता है कि विनायक के लिए तुम सबसे बेस्ट मॉम हो पाखी, अगर तुम ना होती तो विनायक पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। तो वहीं पाखी विराट से कहते हुए नज़र आती है और डॉक्टर सही, तो वहीं विराट कहता हुआ नज़र आता है पाखी से कि सही ने वही किया है जो एक डॉक्टर को करना चाहिए। और यह सब देखकर जो है सही काफ़ी शॉक नज़र आती है। और वहीं सही विराट से कहती हुई नज़र आती है कि यहाँ तो मैं आपको सरप्राइज़ देने आई थी पर आपने तो मुझे ही सरप्राइज़ दे दिया, या कहते ही अपनी बेटी जो है सही को लेकर वहाँ से चली जाती है। और इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस जो है काफ़ी जो है गुस्सा हो गए और फैंस जो है फिर से ट्रोलिंग करना स्टार्ट कर दिए इस शो। और वहीं फैंस का यह भी कहना है कि इस शो को हम ट्रोलिंग करते करते थक गए पर मेकर जो इस सेल की स्टोरी में कोई चेंजिंग नहीं ला रहे हैं। और फैंस का कहना है कि या तो फिर सही के लिए न्यू हीरो की एंट्री कराया जाए इस शो में या फिर जो इस शो को जल्द से जल्द ऑफर कर दिया जाए स्टार प्लस। वेल दोस्तों आपकी क्या राय है तेलुगु में किसी के प्यार में की करंट स्टोरी को लेकर नीचे कमेंट सेक्शन पर अपनी राय जरूर बताएगा। दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि टेलीविजन से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट हम आप सभी के लिए लाते रहते हैं। अभी के लिए दीजिए फिलहाल हमें इजाजत, फिर मिलते हैं अगली नई किसी वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।